वैसे तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई संगीतकार गीतकार मौजूद है जिन्होंने अपने गीतों से आज एक मुकाम हासिल कर लिया है और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को सबसे सफल म्यूजिक इंडस्ट्री में से एक बना दिया है। लेकिन एक सिंगल ट्रैक को बनाने में कई लोगों की मेहनत पीछे छुपी होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक गीतकार का होता है। ऐसे ही एक गीतकार है जानी, जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को कई शानदार गीत दिए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई जानी के सफर की शुरुआत। जानी का जन्म 25 मई 1989 को पंजाब के मुकतसर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद गिद्दरबा शहर में हुआ। जानी का पूरा नाम जानी जोहाल है। जानी ने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई SSD मेमोरियल स्कूल से की है, जो कि गिद्दरबा में मौजूद है। जानी डिप्लोमा डिग्री होल्डर है, जिसमें उन्होंने डिप्लोमा करा है होटल मैनेजमेंट में। जानी को लिखने का शौक तो शुरू से ही था, इसलिए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए वह चंडीगढ़ चले गए। वैसे तो जानी ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में एक रिलीजियस सॉन्ग सात सिपाही से करी है, लेकिन उन्हें पहचान हाडी साधू के सॉन्ग सोच से मिली है, जिसे उन्होंने अपने एक दोस्त की रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखा था, जिसका आगे चलकर एक बॉलीवुड वर्जन भी रिलीज हुआ सोच ना सके, जो कि अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट में इस्तेमाल हुआ था। हाडी साधु के सॉन्ग सोच के बाद जानी ने बी प्राक, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है, एंड अरविंदर खेरा, जो कि एक वीडियो डायरेक्टर है, उनके साथ टीम अप होकर के कई सारे दमदार हिट्स पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को दी हैं, जैसे कि जोकर, बैकबोन, हॉर्नब्लो, ना क्या बात है। जानी लगभग सभी गीतकारों के साथ काम कर चुके हैं और कई शानदार ट्रैक्स ऑडियंस को दे चुके हैं, जैसे सुखी के साथ जैगवार सॉन्ग में, जस्सी गिल के साथ सॉन्ग एक साल में, एमी वर्क के साथ सॉन्ग तारा में, प्रभ गिल के साथ सॉन्ग मेरे कॉल में, दिलजीत दोसांझ के साथ डू यू नो में। सिंगर सुनंदा शर्मा के द्वारा गाया हुआ सॉन्ग जानी तेरा ना पहला ऐसा सॉन्ग है जिसका नाम किसी गीतकार के ऊपर रखा गया है। सॉन्ग ने रिसेंटली ही 300 मिलियन व्यूज का माइलस्टोन अचीव करा है और साथ ही इस सॉन्ग का हिंदी में भी वर्जन रिलीज किया गया है, मम्मी नू पसंद, जिसे भी सिंगर सुनंदा शर्मा ने ही गाया है। जानी ने रिसेंटली अपना खुद का म्यूजिक लेबल लॉन्च करा है, देसी मेलेडीज, वीडियो डायरेक्टर अरविंदा खेरा एंड म्यूजिक कंपोजर बी प्राक के साथ मिलकर। जानी कभी भी अपने गाने लिख कर नहीं रखते हैं, जैसी सिंगर की डिमांड होती है वह वैसे ही सॉन्ग उन्हें लिख कर देते हैं, और ना ही वह गाने लिखने के लिए कभी भी बुक्स और किसी भी तरह के लिटरेचर का इस्तेमाल करते हैं। जानी ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को कई शानदार ब्लॉकबस्टर सॉन्ग दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं वह आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और अपनी ऑडियंस को अपने नए नए गानों से अपने से जोड़कर रखेंगे। जब आज ये वीडियो रिलीज हो रही है, आज ही जानी का एक नया सॉन्ग आया है जिनके लिए, जिसे सिंगर नेहा कक्कड़ ने गाया है एल्बम जानी वे में से। जानी की नई एल्बम जिसका नाम खुद उनके नाम पर ही रखा गया है, जिसमें उन्होंने पहली बार एक्टिंग करी है।